खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां पर कांग्रेसियों ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। मांग किया है कि सहारा पल्स और निजी कंपनियों के द्वारा ठगी के शिकार लोगों के पैसे को वापस कराए सरकार। बता दें कि सगड़ी तहसील पर कांग्रेस पार्टी के जिला महासचिव अजित राय के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने तहसील पर पहुंचकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार मयंक मिश्रा को सौंपा। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सगड़ी तहसील पर पहुंचकर नारेबाजी करते हुए सहारा पल्स कंपनियों में करोड़ों रुपयों का पैसा आईडी और एफडी योजनाओं में भारी मुनाफे का लालच देकर जमा कराया गया। वहीं गरीब और सामान्य परिवार के लोगों ने अपनी मोटी कमाई इन निजी कंपनियों में जमा कर मियाद पूरी होने के उपरांत भी उन्हें उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है। निवेशक उन्हें बार बार चक्कर लगवा रहे हैं, वहीं फंसे हुए पैसों की कोई भी सुध नहीं ले रहा है। ऐसे लोगों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी के जिला महासचिव अजित राय और सुमन चौहान के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सगड़ी तहसील पर नारेबाजी करते हुए राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सगड़ी नायब तहसीलदार मयंक मिश्रा को सौंपा। इस दौरान नायब तहसीलदार ने पत्रक भेजने का आश्वासन दिया। देखिए, तमाम विगत वर्षों में आपने देखा होगा, तमाम फ्रॉड कंपनियां ऐसी आई, जैसे सहारा पल्स, जो कि मध्यवर्गीय परिवार के, छोटे किसानों के, मध्यवर्गीय परिवार के एफडी और आईडी के डबल पैसा करने के नाम पे पैसा जमा कराई और उनका पैसा दबा के लेके बैठ गई। पैसा जमा कराए तो पावती भी दिया और उस पावती का कोई महत्व नहीं है, और आज तक तमाम परिवार, तमाम लोग उस पैसे की उम्मीद में दम तोड़ रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस वजह से आज हम लोग राज्यपाल महोदय को द्वारा एसडीएम के आज ज्ञापन देकर आग्रह किया गया, निवेदन किया गया कि राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश सरकार को ये निर्देशित करें कि इन बिंदुओं पर विचार करते हुए तमाम छोटे व्यापारियों, उद्योगियों और तमाम छोटे किसानों के पैसे को वापस कराए। सगड़ी में आई हूँ, ये सहारा जो कंपनी है गरीबों का पैसा लेके डुबोई हुई है, उसका हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। एक गरीब एफडी, जैसे लड़कियों का शादी हुआ, किसी ने अपना जेवर बेच के इस एफडी कराया था कि मैंने 5 साल में 10 साल में देंगे, लेकिन ये 20 साल से पैसा डूबा हुआ है। हम लोग उसी के ज्ञापन में देने आए ताकि वो गरीबों का जो पैसा है वो मिल सके, और ये पल्स की भी वही दशा है, और ये गरीबों का पैसा इतना कई करोड़ों कई अरबों में फंसा हुआ है। ये सहारा कंपनियां जो है एकदम लेके पैसा डूबी हुई है। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।